सेकंड हेल्पिंग क्या लोगे? दे दो ना। कढ़ाई है लेकिन चिकन कढ़ाई, अगर मटन है ना, मटन की चिकन, मटन है का? अच्छा हाँ। इट्स टू हॉट। इतना मजा आ गया कि नाक आँख सब जगह से पानी आ रहा है। मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड अनिरुद्ध, सॉरी वन मोर, जस्ट वन मोर, नो नो नो, कट कट कट। शाम का वक्त है, भूख लगी है और मैं पुणे में हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड अनिरुद्ध पाटिल से मिलने। अभी अनिरुद्ध पुणे का सबसे बड़ा फूडी है। मिलते हैं उसे क्योंकि उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि मुझे प्योर नॉनवेज खाना खिलाएगा महाराष्ट्रीयन स्टाइल, और उसे पूछते हैं कि खाने में क्या है। Welcome to Pune, Kunal. I am so happy to be here. I hope you are hungry and ready for the food. I am hungry and he's told me that this is a pure non-veg place which has excited me tremendously. बहुत मजा आने वाला है। देखते हैं आज मटन के खाने में क्या है। तो मटन के खाने में क्या है बोल रहा है अनिरुद्ध, तो चलो अंदर जाते हैं, मटन देखते हैं और खाते भी हैं। चलो अनिरुद्ध, गुड टू सी यू मैन। ये मेन्यू तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है यार। ये जो सुरवेज है ना, सुरवेज प्योर नॉनवेज रेस्टोरेंट, ये आपने कैसे डिस्कवर किया? ये पुणे ईट आउट्स के आपका जो वेबसाइट है, जो ग्रुप है, उसमें से आपने डिस्कवर किया या कैसे कैसे डिस्कवर किया ये इसको? तो डिस्कवरी तो वही हुई जब सुरवे पुणे आया, बट लेकिन पुणे आने से पहले भी सुरवे काफ़ी पॉपुलर था सतारा में। अच्छा, तो ये जो खाना है, ये जो क्विजीन है, वो सतारा की है? हाँ जी। देखो, हम पुणे की बात करते हैं क्यूजिन में, हम कोल्हापुर की बात करते हैं। हाँ। दोनों के बीचों बीच एक शहर आता है सतारा। हाँ। वो भी उतना ही पॉपुलर, इतना ही इंडिजिनियस है। हाँ। खाने को लेके। हाँ। जिसके बारे में बात ज़रूर होनी चाहिए। अभी हाल ये कि सतारा सुरवे दोनों एक दूसरे के सिनोनिम बन चुके हैं। और सतारा में मटन का जोर होता है क्या? बिल्कुल। हाँ, मटन के बिना होता ही नहीं कुछ। बिल्कुल। तो अब आज क्या हम खाएं, आप बताइए। आप मुझे बताओ कि आपके फेवरेट क्या है, यहाँ के स्पेशलिटी क्या है और मुझे क्या खाना चाहिए। तो सुरवे की सबसे बढ़िया बात है कि जो मटन का क्वालिटी होता है। हाँ। वही बहुत ज़्यादा शानदार है। तो कौन से डिशेस ऑर्डर करें आप? देखो, ये मेन्यू देखते हैं हम लोग, और मटन खरडा ट्राई करते हैं। मटन जतरा यात्रा करके काफ़ी उनकी यूनिक डिश होती है। ओके। जो आपको गाढ़ी ग्रेवी में और पतली चॉइस के हिसाब से मिल जाती है। हाँ। वो ट्राई करते हैं। हाँ। उनकी थाली भी है, अर्नी फ्राई होता है। अर्नी मैंने उसका जो स्मोकी फ्लेवर जो आता है सूप में। तो चलो ऑर्डर करते हैं, खाना मंगाते हैं। Now this is a mutton feast. पूरा मटन का फीस्ट हो गया। अभी आप मुझे बताइए ये क्या क्या है। ये पहले ये क्या है? मटन जतरा यात्रा हंडी बुलाते हैं। मटन जतरा यात्रा जो गांव में फेयर होते थे। हाँ। वहाँ से उसका नाम आता है। अच्छा, तो जतरा यानी फेयर, मेला। हाँ, चलो। पूरा मटन जो बनता था पूरा, और ये चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, लेकिन ये पंजाबी कढ़ाई मटन जैसे नहीं है। सतारा से, सतारा स्टाइल है। और इसमें आप देखोगे तो काफ़ी फैट है इसमें, चर्बी जो कहते हैं ना, चर्बी तो यहाँ से शुरू करते हैं, फिर यहाँ जाते हैं। अभी ये चावल के साथ खाएंगे या भाकरी के साथ खाएंगे? खा दोनों खा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप चपाती ट्राई करो। चपाती इंडियन किचन में ज़्यादातर आप काफ़ी पुरुष प्रधान किचन होता है, इसलिए काफ़ी कम दिखाई देती है। पुरुष प्रधान किचन, दैट्स अ ग्रेट वर्ड। लेकिन सुरवे में आपको चपाती और भाकरी के लिए लेडीज या लोग होते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ सिर्फ जो लेडीज़ होते हैं किचन में सिर्फ चपाती बनाते हैं, बाकी का खाना भी काम होता है, लेकिन उनकी जो एक्सपर्टीज आती है वो आपको डेफिनेटली देखने मिलेगी। चपाती, माय गॉड, दिस इज अ चपाती, लुक एट द साइज ऑफ दिस चपाती, सॉफ्टनेस आल्सो, सॉफ्ट एंड इट्स हॉट, इट्स गरम गरम। चलो तो स्टार्ट करते हैं, चलिए आप। इट्स टू हॉट। ये जो कढ़ाई मटन है इनका बिल्कुल अलग किस्म का है, तीखा है, ज़बरदस्त तीखा है एक्चुअली, और बहुत टेस्टी है। और ये जो फैट है, उसी फैट है, चर्बी है इसकी, उसी से इसका स्वाद आता है। मटन हम सब लोग काफ़ी पसंद करते हैं, मेरे ख्याल से जगह वो स्पेशल होती है इसका रस्सा भी उतना अच्छा हो जितना कि मटन का पीस हो। मैं बताऊँ, ये देखिए रस्सा, फिर मटन, ब्यूटीफुल। अभी ये ट्राई करें मटन जतरा, हम पुणे बुलाते हैं उसको, एक नंबर, एक नंबर। एक नंबर। सतारा का जो मसाला होता है वो कोकणी जैसा मसाला नहीं होता ना इनका, नहीं, काफ़ी अलग होता है। सबको कोकणी खाना पता है, लेकिन ये अलग ही फ्लेवर है इसका, काफ़ी अमालगेशन आ जाता है थोड़ा सा। आपको इट्स वेरी सतारा, बट आप अगर फ्लेवर में जाओगे तो यूसी थोड़ा सा एक पुणे का सोफिस्टिकेशन मिल जाता है, कोंकण। आपको फूड ट्रैवल्स, राइट? यस इट डज। इफ यू गेट इनटू इट काफ़ी सारे नुआंसेस मिल जाएंगे, बट एज ए डिश ये सतारा ही है। सतारा भी है, और जैसे मराठी में कहते हैं झणझणीत भी है। मैंने अरनी पहले खाई है, लेकिन अरनी ऐसे चिकन मटन सूप जैसा ही था ना, वेरी डेलिकेटली, नॉट वेरी स्पाइसी, नॉट वेरी स्पाइसी, बट स्मोकी, शुड गेट अ स्मोकीनेस, स्मोकीनेस आना चाहिए। इसको अरनी क्यों बोलते हैं? अरनी मराठी में मीन्स विदाउट सॉल्ट, राइट? बट ऐसा होता नहीं है। कई बार क्या होता है, जो कहानी हमने बचपन से सुनी है, सो पहले ये जो स्टॉक, जो बेस बनता है वो बनता था, बाद में उसकी ग्रेवी बनती है। तो जब तक ये मटन ना पके तो नमक नहीं डालते थे, ताकि मैं स्वादानुसार एडजस्ट कर सकूँ उस चीज़ को। ओह, तो इसलिए अरनी कहते हैं। अभी एक जो चावल है ये बासमती नहीं है, इंद्रायणी होता है, इंद्रायणी। नॉर्मली सुरवेज में जो खरड़ा चिकन होता है वो स्टार्टर्स में आता है, खरड़ा चिकन स्टार्टर में था, वो राइस जो होता है वो सबसे आखिर में आता है, करेक्ट? तो बहुत कम बार ये होगा कि किसी प्लेट में खरड़ा और राइस एक साथ हो। तो एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी मेरी कि हम लोगों ने खरड़ा मंगवाया और राइस मंगवाया। एक बार मैं चाहता हूँ कि एक बार साथ में खा के खाइए, खरड़ा के साथ, खरड़ा के साथ राइस खाइए। खरड़ा के साथ राइस खाते हैं। ये खरड़ा जो होता है ये ऑब्वियसली ग्रीन मसाला है ज़्यादा करके, मिर्ची होती है, मिर्ची, कोरिएंडर, भाकरी तो अच्छे से मिक्स करके एक बार। तो आप कह रहे थे ये नॉर्मली खरड़ा स्टार्टर्स के लिए आता है। हाँ जी, मेन्यू में स्टार्टर्स में आता है, लेकिन चावल के साथ स्पेशल लगता है। ये डिस्कवरी में, ये मेरी खुद की डिस्कवरी है सुबह भी। वेरी नाइस। पहले तो ये खरड़ा ही बहुत अच्छा है और ये चावल के साथ इनकी डिस्कवरी है, सुपर्ब है। और यार पानी मंगाओ यार। दिस इज एक्सेलेंट। द खरड़ा इटसेल्फ इज, मैं आप सब लोगों को कहता हूँ, अलग अलग चावल मिलते हैं हमारे देश में। महाराष्ट्र में तो आंबे मोहर, इंद्रायणी मिलता है, बंगाल में अलग अलग मिलते हैं। लोकल चावल खाया करो, बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्ट भी अच्छा है और सेहत के लिए भी अच्छे हैं। अब क्या खाएं? दिख रहा है वहाँ पे कीमा घोटाला, कीमा घोटाला। कीमा घोटाला खाते हैं। ऑर्डर किया, चलो सर मैं आपको खिलाता हूँ। मुझे पता नहीं कि सातारा में ऐसा कीमा मिलता है कि नहीं, लेकिन ये कीमा बहुत अच्छा है, बहुत। तो 4 किस्म के मटन हो गए, 1 किस्म का कीमा हो गया, भाकरी हो गई, चपाती हो गई, चावल भी हो गया। आपको सबसे बढ़िया क्या लगा? मुझे सबसे बढ़िया लगा खरड़ा और इंद्रायणी चावल, ये भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर मुझे पूछोगे कि सेकंड हेल्पिंग क्या लोगे, दे दो ना। आहा, मज़ा आ गया। मज़ा यानी मज़ा ही आ गया, इतना मज़ा आ गया कि नाक आँख सब जगह से पानी आ रहा है। फीका भी है, स्वादिष्ट भी है, असली सतारा का फ्लेवर। अनिरुद्ध, थैंक यू वेरी मच, आप मुझे यहाँ लेकर आए, इस खाने से इंट्रोड्यूस किया, इतना सारा मटन खिलाया, मज़ा आ गया। थैंक यू। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड और क्या होता है वो, सब्सक्राइब। करेक्ट, सब्सक्राइब। और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है। इट्स वेरी गुड। अभी आप खाओगे आपको भी पता चलेगा। हो गया अभी बैक टू बैक 2 वेज किया अभी ये तो।